आपका भाई फिर एक बार एक वीडियो के साथ में हूँ। उन लोगों को पता नहीं है, उनके पंडितों ने उनको गुमराह कर रखा है, और हमारे जो मुसलमान है नाम निहाद, इनको पता नहीं है, इनको इनके मौलवी ने गुमराह कर रखा है। क्योंकि वेदों में आता है एक कम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, यानी कि एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, नहीं है जरा बराबर भी नहीं है। और आता है कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, कि उस रब की कोई फोटोग्राफ, कोई मूर्ति, कुछ भी नहीं है। और कुरान में आता है कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, कहो वो अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने बहुत सारे मुश्किल कुशा बना रखे हैं। वो मालिक फरमाता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, वकाला रब्बुकुम उदूनी यस्तजीब लकुम। लेकिन हमारे लोगों ने मालिक के कुरान को, नबी के फरमान को छोड़कर अपने हाथों से ताजिए बनाकर, कब्रें बनाकर, मजारे बनाकर पूजा पाठ का कारोबार धंधा शुरू कर रखा है। इसके जिम्मेदार जाहिल अवाम खुद भी है, और वो चोर मौलवी भी है, वो मार्केटिंग मैनेजर मौलवी भी है, जो लोगों को गुमराह करते हैं। और उनकी बातें सुनकर, उनकी कहानियां सुनकर, उनके जोक सुनकर, उनसे मुतासिर होकर लोग कुरान को, हदीस को छोड़कर खबरों की पूजा पाठ में लग गए हैं। आज क्या हाल हो गया? अल्लाह का अजाब चारों तरफ से आ रहा है, मुसीबतें चारों तरफ से आ रही है, परेशानियां चारों तरफ से आ रही है, और जलील हो रहे हैं। इसके बावजूद भी ये लोग खबर की पूजा, ताजिया की पूजा, मुर्दे की पूजा, लाश की पूजा नहीं छोड़ रहे हैं, जगह जगह पिट रहे हैं। इसके बावजूद भी ये लोग अपने रब को छोड़कर झूठे माबूदों के पीछे, खबरों के पीछे, नजर नियाज के पीछे पड़े हुए हैं। बताइए मुझे, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही है, कौन से बाबा आके बचा रहे हैं? अल्लाह को छोड़ दिए, कुरान को छोड़ दिए, हदीस को छोड़ दिए, नबी को छोड़ दिए, सहाबा का तरीका छोड़ दिए, ईमान वालों का रास्ता छोड़ दिए, और गुमराह हो गए तो तुमको अल्लाह ने दुनिया में जलील कर दिया, तुम्हारी कोई औकात नहीं रही। आज गैर मुस्लिम भी तुम पे थूक रहे हैं, तुम उनको क्या कहोगे, कैसे कहोगे, कैसे बुलाओगे कि आओ एक रब की तरफ, कैसे दावा दोगे? तुम खुद अपने लाखों माबूद बना के बैठे हो, तुम कैसे कहोगे कि आओ एक मालिक रब की तरफ और एक नबी की इताअत करते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कैसे कहोगे, किस मुंह से कहोगे? तुमको देखकर कौन आएगा इस्लाम के अंदर? शर्म करो, शर्म करो, शर्म तुमको नहीं आती, मगर तुम कहते हो खुद को मुसलमान, लेकिन तुम हो नहीं मुसलमान। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ, जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ।